तबाही की तस्वीरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन सैलाब में जानबूझकर जान को जोखिम में डालने वाली तस्वीर आपकी चीखें निकाल देगी। बारा में मूसलाधार बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई पुलिया ध्वस्त हो चुकी हैं। देखिए इस ध्वस्त पुलिया के सहारे सैलाब के बीच लोग कैसे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर आपकी चीखें निकाल देगी। देखिए कैसे मुश्किल में लोगों की जान फंसी है। देखिए सैलाब कैसे मौत को दावत दे रहा है। राजस्थान में आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। पानी का यह सैलाब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया है। बारा के भैरूपुरा पुलिया की ये तस्वीरें हैं। बारा जिले में हो रही भारी बरसात लोगों के लिए आफत बनी हुई है। नदियों में उफान चलने के कारण कई रास्ते बंद हैं, तो उफानों के इस सैलाब में लोग देखिए कैसे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। एक पिता अपने बीमार बच्चे को कंधे में बिठाकर जान जोखिम में डालकर उफनते पुलिया को पार कर रहा है। सोचिए जरा सी चूक इसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। बाइक पर तीन तीन लोग बैठे हैं। उफनते पुलिया में बाइक सवार लहरों से जंग लड़ रहे हैं। बाइक का बैलेंस बिगड़ रहा है, लेकिन देखिए इसके बावजूद कैसे ये बाइक सवार सैलाब में मौत को दावत दे रहा है। ये तस्वीर तो महज बानगी भर है। इस उफनते और टूटे पुलिया से हर रोज सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। देखिए कैसे स्कूली बच्चे भी इस उफनते पुलिया से गुजर रहे हैं। सोचिए जरा सी चूक से मौत का सैलाब किसी को भी अपनी आगोश में ले सकता है। सैलाब से जिंदगी की जद्दोजहद की ये रोज की कहानी है। जेसीबी मशीन पर बैठकर आम लोग और महिलाएं किसी तरह पुलिये को पार कर रही हैं। बारा में मूसलाधार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सिसवाली कस्बे के लोगों के लिए भैरूपुरा पुलिया ही आने जाने का एकमात्र जरिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी को दांव पर लगाकर सैलाब को पार करना कितना सही है। ये तस्वीर प्रशासन के लिए चेतावनी है, क्योंकि जरा सी चूक से एक बड़ा हादसा हो सकता है। राम मेहता, जी मीडिया, बारा।